Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी का टेक्निकल फ्लिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जीमेल आईडी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। और क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है gmail.com और इसके बाद दोस्तों इस तरह का जो है इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पर देखो एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अकाउंट, आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट नेम, अब आपको यहाँ पर जो अपना फर्स्ट नेम डाल देना है दोस्तों। चलिए मैं जैसे कि डाल देता हूँ टेक्निकल, और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ लास्ट नेम, अब आपको यहाँ पर लास्ट नेम डाल देना है। चलिए जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फिलिप्स, और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है यूज़र नेम। ये देखो हमारा जो है यूज़र नेम ऑटोमेटिकली आ गया है फिलिक्स टेक्निकल। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके इसको यहाँ से जो है रिमूव करके अपना जो भी आप रखना चाहते हो उसको यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पर तीन ऑप्शन भी अवेलेबल है, अगर आप इनमें से कोई चूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों पासवर्ड। अब आपको यहाँ पर जो भी आप अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड रखना चाहते हो वो यहाँ पर जो है डाल देना है। और दोस्तों आपको पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग डालना है, जिसमें अल्फ़ाबेट, नंबरिंग और सिंबल होना चाहिए। और दोस्तों पासवर्ड जो है मिनिमम जो है दोस्तों 8 करेक्टर का होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पर एक पासवर्ड डाल देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों इसको कंफर्म कर देता हूँ, फिर से इस पासवर्ड को डाल देता हूँ। और इसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पर जो है हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना है। चलिए मैं यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। और फ़ोन नंबर डालने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पर जो है एक ऑप्शन लिखा हुआ है रिकवरी ईमेल, अब आपको यहाँ पर जो है अपना रिकवरी ईमेल डाल देना है। जो भी अगर आपका दूसरा मेल हो वो डाल देना है, अगर नहीं है तो दोस्तों इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ आपको यहाँ पर जो अपना डेट ऑफ बर्थ जो है फिल कर देना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों जेंडर, अब आपको यहाँ पर अपना जेंडर चूज़ कर लेना है, मेल फीमेल या जो भी है कस्टम, आपको यहाँ पर जेंडर चूज़ कर लेना है। मेल चूज़ कर लेता हूँ। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देना। अब सेंड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने जो फ़ोन नंबर डाला है इस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है OTP डाल दिया है, उसके बाद जो है यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है यस आई एम। और इसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पर ये टर्म एंड कंडीशन आपके सामने आ जाएगी, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद दोस्तों आपकी जो जीमेल आईडी बन जाएगी। अब आपको जो अपना पासवर्ड लिख लेना है और अपना यूजर नेम भी लिख लेना है, ताकि आप कोई भूलते हो तो आप इसको फिर से देख सकते हो।